डिफेंस मिनिस्ट्री ने एसएससी अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी मिलिट्री रैंक के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है मोदी सरकार का। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि वो आर्मी में सर्व करते हैं, लेकिन बावजूद इसके परमानेंट सर्विस कमीशन के अधिकारियों की तरह हार्डशिप झेलते हैं, पर बावजूद इसके उनको मिलिट्री रैंक के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं है। तो ऐसा डिसकंटेंट था, डिससेटिस्फेक्शन था इन अधिकारियों के बीच में। तो अब जब रक्षा मंत्रालय ने इन एसएससी अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी मिलिट्री रैंक इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो डिससेटिस्फेक्शन या डिसकंटेंट था इन अधिकारियों के मन में, वो ख़त्म होगा। 1983 से ही ये मांग चली आ रही थी कि उनको अपनी मिलिट्री रैंक के इस्तेमाल की इजाज़त मिलनी चाहिए। पहले वो पाँच साल कार्य करते थे, लेकिन बाद में इस टेन्योर को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया, और उसके बाद ये बढ़ाकर 4 साल और हो सकता है, यानी कि 14 साल की वो सर्विस कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके जितनी हार्डशिप झेल रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उनको मिलिट्री रैंक के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं थी। तो अब जब मंजूरी दे दी गई है, तो एक बहुत बड़ा फैसला रक्षा मंत्रालय का आया है। तो मैं समझता हूँ इससे डिससेटिस्फेक्शन भी कम होगा, और जो बाकी मांगे थी वो मांगे भी पूरी हो पाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।